आवाज जा रही है बिना? हाँ सर, आ रही है। ठीक, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी से पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी आपका है, ठीक, कोई भी आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मतलब उसका स्टेट गैसियस होना जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हो, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड अप करते हो, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। और अगर वो एनायन बनाता है तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है आइदर एंडोथर्मिक होगा या फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, लेकिन दो चीजें हैं कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये एनायन बन जाएगा, निगेटिव आयन, और प्लस जो यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होगी पर मोल के लिए, हमेशा डिफाइन किया जाता है 1 मोल के लिए, तो उसे हम लोग लिखेंगे इजी, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी डेल्टा एच। और चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन एडअप किया है तो इसे कहा जाता है H1, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, या फर्स्ट ये आयनाइजेशन, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। तो ये ईजी क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी को बताता है, ठीक है। तो लिखिए डेफिनेशन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम, गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए निगेटिव आयन, द इंथैल्पी चेंज एकम्पनिंग द प्रोसेस The process is defined as the electron gain enthalpy, the electron gain enthalpy। क्या लिखेंगे, डेल्टा ई जी एच, सिंबल लिखेंगे डेल्टा ई जी एच। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है, क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा, ठीक है, एच में, तो जो डेल्टा एच होता है, या रिलेशन बिटवीन लिख लेंगे यहां पे। कई बार लोग पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस है या सेम है, तो रिलेशन बिटवीन इसके बीच में इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, मतलब डेल्टा ई जी एच एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए, या पूरा लिख दे रहे हैं यहां पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नहीं, अलग अलग, वही तो बता रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, रिलेशन क्या है उनके बीच में, अगर ये अलग अलग नहीं होते तो उनमें हम रिश्ता क्यों देखते, ठीक है। तो ये आपके लिए, ये एनसीईआरटी की बड़ी टैग लाइन है, नीचे एकदम मेंशन किया हुआ है, और जब भी कंपटीशन में जाएंगे तो बड़ा घुस घुस के पूछते हैं सब, ठीक है। और ये हो जाएगा डेल्टा ई जी एच इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई ए, और -5/2 RT।
हो गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन एड अप करोगे वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो जो रिलीज्ड एनर्जी है वो बाकी केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज किया जाएगा एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा, है ना, जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसका मतलब वो सिस्टम, उस सिस्टम में प्रोडक्ट बनने के सबसे ज्यादा चांस होंगे जिसमें ये एनर्जी क्या हो रही हो, ज्यादा रिलीज हो रही हो। ये बात समझ में आया ना? मतलब डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो हमारे लिए वो क्या है, फेवरेबल है, मतलब प्रोडक्ट बनने के चांस क्या है, ज्यादा है। ये बात समझ में आया ना? तो यहां पे लिखेंगे कि डेल्टा एच क्या है, अगर निगेटिव है, ठीक है, अगर ये निगेटिव है तो क्या कहा जाएगा, प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, दैट मींस हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी है, जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये किसी टी टेम्परेचर पे ये लिखा गया है रिलेशन, लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड तो 0 डिग्री केल्विन पे बात करते हैं ना, तो यहाँ 0 रख देंगे, 0 डिग्री सेंट, यहाँ टी 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा जो एच होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी जो है वो माइनस टाइम्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस टाइम्स डेल्टा एजी एच। अब ये देखिए अगर ये निगेटिव हुआ, ये जितना ज्यादा निगेटिव होगा ये उतना ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस टाइम्स हो गया। और ज्यादा निगेटिव होने का मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि हीट ज्यादा इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, वो आपके लिए फेवरेबल है, रिएक्शन के लिए क्या है, फेवरेबल है। ये बात समझ में आया ना? तो डेल्टा एच जितना ज्यादा निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच ईजी, डेल्टा एच जितना डिक्रीज करेगा इंप्लाइज जो ईए है उतना क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आया ना? तो ये नोट कर लीजिए, ये कब लिखा है, एट 0 डिग्री। अब कुछ केसेस हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। केस फर्स्ट, जो डेल्टा एच है ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी जो है ये से निगेटिव है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूट्रल गैसियस एटम ऑक्सीजन का है, से ये गैसियस ले रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो क्या हो जाएगा, 1s2, ठीक है, क्या होता है 2s2 और 2p क्या होता है, 4 होता है, टोटल 8 होता है ना, ये बात समझ में आ गया, तो ये 4 हो गया। अब ये अगर पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास कितना आ जाएगा, दैट इज ओ माइनस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका होगा, 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा, 2p 5 हो जाएगा ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर किया है ना, इसके p सबसेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
एड अप किया गया है, और ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसका डेटा हमारे पास डेटा लिखे हैं, ठीक। तो इस ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, इसमें -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है, तो इसे कहते हैं डेल्टा ईजी एच वन हो गया, और ये होता है माइनस कितना है 141 किलो जूल एनर्जी, ठीक है, पर मोल। हमेशा किसके लिए डिफाइन किया जाता है, पर मोल के लिए। तो ऑक्सीजन में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन अब केस टू हम लोग देख लेंगे। केस टू में जिसमें डेल्टा ईजी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है, इसी केस में आ जाएगा जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जाएंगे। इसका मतलब ओ माइनस, ठीक है, ओ माइनस जो गैसियस फेज में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है, 2s2 है और 2p5 है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, यहां पे जो भी आपके पास एटम है उसके सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर चुका है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर चुका है तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है या क्राउडिंग है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ चुका है। इसका मतलब जब भी क्राउडिंग, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन एड अप किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाओगे यहाँ पे एड करने के लिए तो इनके द्वारा क्या होगा, रिपल्सन फेस किया जाएगा। इसका मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन को एड करना एक्सोथर्मिक नहीं रह जाएगा, अब आपको फोर्स करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया ना, आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन जाके इसके पी सबसेल में या जो भी ऑर्बिटल है उस सबसेल में जाके वो क्या हो, एड अप हो। इसका मतलब कि जो सेकेंड ये है आयनाइजेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आओगे तो इस समय ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो चुका होगा। इसका मतलब 2- और ये क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा। और जो ये डेल्टा एच आने वाला है, इसको दो, पहली बात कि ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आ रहे हैं हम लोग, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। और डेटा हमने नोट कर रखा है, ये आपका है 780 किलो जूल पर मोल। हो गया, अब हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अरे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, पहला क्या हो गया जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। अब ये सोचिए कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एड अप करने के लिए आएंगे तो उतना तेजी से होल्ड करेगा उसको, और जितना टाइटली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ये बात समझ में है ना, इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ईजी एच के हो जाएगा, ठीक। दूसरा एटॉमिक साइज,
एटॉमिक साइज। अब देखिए अगर साइज छोटा है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये न्यूक्लियस है और एक ये साइज मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया क्वालिटेटिव, और एक साइज बड़ा है। अब दोनों में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड अप करना है, एक यहां लाके ऐड करना है और एक यहां लाके ऐड करना है, होगा क्या? इसकी साइज छोटी है और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा कि ये इसको टाइटली होल्ड करेगा, और जितना ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा उतना ज्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। एक्चुअली ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, जितना सेपरेशन कम होता चला जाएगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी डिक्रीज करेगी और उतना एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ये बात समझ में आया ना? तो सेपरेशन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे। तो हम लोग कहेंगे यहां सेपरेशन ज्यादा रह जाएगा, इसका मतलब यहां पे एनर्जी कम रिलीज होगी। तो साइज अगर छोटी होगी तो जो एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज होगी। ये बात समझ में आया ना? ठीक। तो साइज इंक्रीज करेगी तो डेल्टा ईजी भी क्या करेगा, लेकिन ये ध्यान रहे मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, रिलीज करने की बात कर रहे हैं तो ज्यादा निगेटिव होता चला जाएगा। ये बात समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है और 20 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये क्वांटिटी के टर्म में या मैग्नीट्यूड हो गया 20 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन साइन के फॉर्म में देखें, मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, तो एक माइनस 10 जूल कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे, माइनस 20 जूल कहेंगे। तो अगर नंबर के टर्म में हम कंपेयर करें तो माइनस 20 जूल तो छोटा हो गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किसका, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी का। तो साइज अगर इंक्रीज करता है तो जो मैग्नीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी का, मैग्नीट्यूड वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, आपके पास तीन टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आते हैं। पहला क्या आता है, जो स्टेबल होता है, स्टेबल, स्टेबल मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दूसरा क्या आता है आपका, हाफ फील्ड, ठीक है, ये फुल फील्ड हो गया, स्टेबल या फुल फील्ड कह ले, और क्या कहे, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, एफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और तीसरा क्या हो गया आपका, पार्शियल फील्ड, ठीक है, पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जब भी आप, अगर स्टेबल या फुल फील्ड है, स्टेबल या हम क्या कहें, फुल फील्ड, अगर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फुल फील्ड है, बैलेंस शेल उसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फुल फील्ड है, जैसे नोबल गैसेस का होता है। तो जब भी नोबल गैसेस में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जाएंगे, ये प्रोसेस क्या हो गया, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो क्या करेगा, इसका अपनी स्टेबिलिटी का विरोध करेगा कि हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब कि आपको फोर्स करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी होगी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। तो हम क्या कहेंगे, इन दिस केस, ठीक है, जो डेल्टा ईजीएच होगा इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये बातें समझ में आ रही है ना? अब यहां पे क्या होगा, सेम सिनेरियो हाफ फील्ड के लिए होता है। हाफ फील्ड भी एक स्टेबिलिटी है, जहां दो स्टेबिलिटी गवर्न होती है, एक्सचेंज एनर्जी और क्या होता है, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों चीजें बिगड़ रही होंगी, तो ये भी विरोध करेगा।
इसका मतलब जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनमें भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करने के लिए जाते हैं तो ये दोनों सिनेरियो, ये पूरा सिनेरियो होने वाला है। तो ये दोनों सिचुएशन के लिए सेम है, ये बात समझ में आया ना। सिर्फ निगेटिव होगी तो किसमें होगी, पार्शियली फील्ड में, ये बात समझ में आया ना, ठीक है। हाँ, हाफ फील्ड और इसके मतलब फुल फील्ड दोनों में एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये बात समझ में आ गया। और इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक। इसमें भी कुछ केसेस आती हैं एंडोथर्मिक की, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखो ऑक्सीजन जो माइनस में फिर ऐड करने गए थे हम लोग, तो वहां भी दिक्कत था, है ना। ये हमेशा याद रखो कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी होगी, अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जाओगे तो फोर्स करना पड़ेगा, मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी पे करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया ना। हाँ सेम, क्योंकि वो भी स्टेबिलिटी को ही गवर्न करता है, स्टेबिलिटी के थ्रू ही हम डिसीजन ले रहे हैं। हो गया, नहीं हाफ नहीं हो भाई, एग्जैक्टली हाफ, छह में तीन होना और चार होना अलग अलग बात है ना। छह में तीन का मतलब हाफ हो गया और छह में चार का मतलब पार्शियल हो गया, दो पार्शियल हो गया। तो हाफ फील्ड तो बताया था ना, हाफ फील्ड डिसेबिलिटी। फिर लिखिए, हेडिंग डालिए, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन। ये फैक्टर हो गया, ये नोट हो गया ना। ट्रेंड ऑफ वेरिएशन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और अगर साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। दैट इंप्लाइज जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है मोर निगेटिव होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, ठीक है। या यूं कहें कि डेल्टा जो ईजी है दैट बिकम मोर निगेटिव, प्रोसेस क्या हो जाएगा, मोर एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ज्यादा हीट रिलीज होगी, ठीक। इसका मतलब अलोंग द जब पीरियड चलेंगे तो जो सबसे किनारे 17 ग्रुप कौन सा है, 17 ग्रुप आपका अगर नोबल गैस छोड़ देंगे क्योंकि तो वो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनको वेरिएशन में हम काउंट करते नहीं है। तो हम कहां से चलेंगे, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप हम 17 तक जाएंगे, तो 17 का साइज सबसे छोटा होता है। यही बात है कि जो हेलोजन मेंबर्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अपने पीरियड वाले एलिमेंट से में सबसे ज्यादा निगेटिव होती है, या मैग्नीट्यूड उनका क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी साइज सबसे क्या होती है, छोटी होती है। तो इसी का कॉन्सिक्वेंस है, दैट इंप्लाइज, दैट मीन्स हेलोजन्स, हेलोजन्स हैव डेल्टा ईजी मैग्नीट्यूड इज ग्रेटेस्ट इन पीरियड। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ट्रेंड आप बड़े आराम से बता सकते हो, क्योंकि रिश्ता आपके पास है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो माइनस टाइम्स क्या होती है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी से रिलेटेड होती है। हमने कहा कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग द पीरियड, ये क्या होता चला जाएगा, निगेटिव एंड निगेटिव, मोर निगेटिव होता चला जाएगा। अगर ये मोर निगेटिव होता चला जाएगा तो ये क्या होता चला जाएगा, मोर पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब कि अलोंग द पीरियड अगर हम लोग आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी डिक्रीज होती चली जा रही है, इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। ये बात समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता चला जा रहा है, मोर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता चला जा रहा है, हीट ज्यादा रिलीज हो रही है। जितना ज्यादा हीट रिलीज होगी उतना ज्यादा ये निगेटिव होगा, जितना ज्यादा ये निगेटिव होगा उतना बड़ा ये पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता चला जा रहा है, बस आप ये सोचिए कि जो प्रोसेस जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। तो एक कॉन्सिक्वेंस निकल आया कि हैलोजन्स क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी उतनी ज्यादा निगेटिव होती है, मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होता है। हम ये कह सकते हैं कि तीन एस्पेक्ट्स हैं, तीन तरह से हम बात कर रहे हैं, है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। ठीक, अब जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, हम लोग कहते थे कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो अगर ये कहा जाए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को सबसे टाइटली होल्ड करेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आओगे तो फ्लोरीन की साइज क्या होती है, छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, सबसे ज्यादा हाई होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने के लिए आओगे वो प्रोसेस ज्यादा एंडोथर्म मतलब एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ये बात समझ में आया ना, जितना एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसीलिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि जो फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी उसकी सबसे ज्यादा नहीं होती है, क्लोरीन की होती है। ये बात समझ में आया ना, तो क्लोरीन इज द एलिमेंट है ना जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई होता है, ये बात समझ में आया ना। फ्लोरीन क्यों अपनी जगह से हटा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस प्रोड्यूस हो गए थे साइज छोटा होने की वजह से, इसीलिए नेक्स्ट कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। ये बात समझ में आ गया। तो एक हो गया आपका क्या, अलोंग द पीरियड हो गया, लेफ्ट टू राइट जाने पे वेरिएशन सोन में आ गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। अच्छा यहाँ पे भी लिख दें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अरे हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब अलोंग द डाउन द ग्रुप, ठीक है, या अलोंग द ग्रुप ये हटा दे, अब अलोंग द ग्रुप अब अलोंग द ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। अब जब टॉप टू बॉटम जाएंगे हम लोग, ठीक, तो साइज क्या होती चली जा रही है, साइज इंक्रीज कर रही है ना। क्यों साइज इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, लेकिन सेल एक्स्ट्रा सेल आने की वजह से साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। और अगर साइज इंक्रीज कर रही है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड करने के लिए आप ले आओगे वो लूजली होल्ड किया जाएगा, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है इसके ऊपर या पुल है वो क्या होगा, अट्रैक्शन है वो कम होगा, जितना लेस टाइट होगा उतना कम एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब यहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है, साइज छोटा है, यहाँ पे सेपरेशन कम हो गया, ये बात समझ में आया ना। यहाँ पे क्या है, साइज ज्यादा है तो यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे और कम एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे आने पे जो इलेक्ट्रॉन आप एड कर रहे हो प्रोसेस एंडोथर्मिक है,
तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। इसका मतलब लेस निगेटिव होता चला जा रहा है। अगर लेस निगेटिव होता चला जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आया ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। तो हम ये कहेंगे जो इजी है साइज नीचे जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज करेगा। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो डेल्टा ईजी है इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, ये क्या होगा लेस निगेटिव, है ना, यहां लिख दे रहे लेस निगेटिव। और लेस निगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, लेस निगेटिव से लिखा ना। हो गया, अब कुछ क्वेश्चन काउंटर करते हैं हम लोग, है ना, जिसके थ्रू हम लोग जवाब देना सीखेंगे। तो लिखिए, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन affinity of fluorine and neon. नहीं बस करना है इसको, अब देखिए समझ लीजिए। अब यहां हम रोके हैं, कर लो तुम पहले अपना दिमाग लगा लो। तो देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करना है, किसकी, फ्लोरीन और नियॉन की। हम लोग जानते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, नियॉन का 10 होता है। ठीक, नियॉन इनर्ट गैस है। अब अगर हम लोग तीन ट्रेंड देखें एक ही इसी क्वेश्चन में, भले हमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये लोग हम तो निकाल ही लेंगे, लेकिन तीनों ट्रेंड देख लेते हैं। सबसे पहले साइज अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी को, रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। तो हम लोग कहते हैं कि जो साइज है, हम लोग जानते हैं कि जो नियॉन है इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के लिए ना तो कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड होती है, ना तो आयनिक ना तो मेटेलिक रेडियस डिफाइंड होती है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होती है वैन डर वाल रेडियस, और वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब अपने पीरियड में जो आपका इनर्ट गैस है वो सबसे बड़ा होगा। तो साइज का ट्रेंड अगर देखें तो नियॉन बड़ा होगा और फ्लोरीन क्या होगा, छोटा होगा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी पे। हम लोग जानते हैं अगर साइज घटती है तो इलेक्ट्रॉन जो गेन इनथैल्पी है वो क्या होगी, मोर निगेटिव होगी, वो भी घटेगी। अगर हम बात नंबर के टर्म में करें तो वो भी घटेगी, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हमने ये कहा इसके पास दो चीजें थी। नियॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, और जब भी आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आओगे ऐड करने के लिए वो पार्शियली फिल्ड हो जाएगा। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी लॉस होगी, जो सिस्टम बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसका मतलब कि अगर आप चाहते हो तो आपको फोर्स करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसके लिए एनर्जी पे करनी पड़ेगी, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। मतलब जो डेल्टा ईजी है या इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी है वो पॉजिटिव होगा। अदर हैंड अगर हम बात फ्लोरीन के लिए ले आए तो फ्लोरीन का पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या करेगा, इसका साइज भी छोटा है, ये और एनर्जी रिलीज करेगा। ये बात समझ में आया, अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसका मतलब डेल्टा ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी निगेटिव हो गया। तो ट्रेंड अगर देखा जाए तो निगेटिव नंबर छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। इसका मतलब कि जो ट्रेंड होगा नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है, और इसके लिए क्या होगी,
कम होगी फ्लोरीन के लिए। अब रही बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 डिग्री पर कैसे रिलेटेड होता है, माइनस टाइम्स। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव है वो ईए को निगेटिव बना देगा और जो निगेटिव है पॉजिटिव बना देगा, या यूं कहें ट्रेंड पलट जाएगा, है ना। इसका मतलब नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम हो गया, और इसका मतलब इसमें लेस एनर्जी रिलीज होगी, ऐसे सोचिए, और यहां पे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हम अगर ऐसे सोचे, मैग्नीट्यूड के टर्म में सोचे तो, है ना, जबकि यहां पे देनी पड़ रही है। खैर, तो यहां पे ट्रेंड पलट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड होगा वो ज्यादा होगा और नियॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये 3 ट्रेंड है, जो पूछा जाए आप उसका जवाब दोगे, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करोगे जो अलग है, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक अलग क्वांटिटी हो गई जो रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है, ठीक, जस्ट इनवर्स उसका वेरिएशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तीन दे रखा है, एक ए दे रखा है, कोई ए एनायन, ए एटम है, गैसियस एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है और ए माइनस बना रहा है, और डेटा आपको गिवन है डेल्टा एच इन दिस प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड है, ये हो गया आपका 500 जूल है, 500 जूल पर मोल मान लीजिए, है ना, पर मोल हो गया, किलो जूल होता है, एक्चुअली डिफाइंड होता है, इसका यूनिट किलो जूल में हमेशा मेजर करते हैं। खैर, कोई बी है गैसियस एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तो यहां बी माइनस बनाएगा, जो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो दे रखा है 100 किलो जूल पर मोल, और कोई सी है गैसियस, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, ठीक है, तो जो सी माइनस है इसके लिए डेटा आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -100 है किलो जूल पर मोल, और जो आपके पास डी है गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और ये भी एनायन बना रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो दे रखा है वो -500 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है ट्रेंड लिखना है, ई एक ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्वेश्चन नोट करो और सही से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे ईए का ऑर्डर देखने से पहले हम लोग क्या इसका ऑर्डर देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। तो हमने कहा कि 500, 100, -100 और -5, ये ट्रेंड हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। इसका मतलब अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ए, माइनस टाइम्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी ऑफ बी। और हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं, जो ईए होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ये माइनस टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, मतलब ट्रेंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हो जाएगा वो ए सबसे कम हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नियॉन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन,
अब कर लीजिए, अपना दिमाग ला लीजिए जितना पढ़े हैं। तो देखिए आपके पास तीन एटम है और तीनों के लिए नियॉन, नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या है 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब ये क्या है, फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आए, पहले हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव होगा। और उसके बाद नियॉन के बाद नाइट्रोजन का आता है, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2s2 और 2p3 है। ये हाफ फील्ड है, क्या है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होने का मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन ये लेस पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आया ना, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना फुल फील्ड स्टेबल है। फुल फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। ये बात समझ में आ गया, इसका मतलब ये लेस पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों में अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो ये ज्यादा पॉजिटिव होगा, ज्यादा एंडोथर्मिक होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। ये ध्यान रहे, इसका ट्रेंड हम लोग लिखेंगे अभी। उसके बाद बेरिलियम देखते हैं, बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 और 2s2 है। अब मामला, अगर इलेक्ट्रॉन आप एड अप करने के लिए तीन जगह जाते हो, है ना, तो देखिए यहां पे जब ऐड करने के लिए आओगे रिपल्सन ज्यादा होगा, एस इलेक्ट्रॉन्स है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ये बात समझ में आ गया, ये पी में ऐड करने के लिए जा रहे हैं, सहूलियत है, इससे कम कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी इसके पास है। ये बात समझ में आया ना, हाफ फील्ड स्टेबल है और यहाँ पे क्या है, एकदम फेवर नहीं करता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना मोर एक्सोथर्मिक है, और सॉरी एंडोथर्मिक है, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, डेल्टा ईजी की बात करें, तो डेल्टा ईजी सबसे ज्यादा किसमें हो गया, सबसे ज्यादा हो गया नियॉन के केस में, नियॉन में सबसे ज्यादा होगा। और इन दोनों में कंपेयर करें, है ना, तो इसमें ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हम एस में एस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं, और एस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं तो एस की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा ईजी एच किसके लिए हो गया, बेरिलियम के लिए और फिर नाइट्रोजन के लिए, ये हो गया नाइट्रोजन। अब ये तो ट्रेंड किसका है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, रिवर्स कर दे तो किसका ट्रेंड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन का सबसे कम होगा, उसके बाद बेरिलियम का होगा और सबसे नाइट्रोजन का होगा, ये ट्रेंड हो गया। क्या गलत है, सही है, हाँ ठीक है, सही है।